और चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मौसम का येलो अलर्ट लगातार जारी है। कई जिले कल से लेकर लगातार बारिश हो रही है। बारिश से किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचा है। बारिशों के बाद पहाड़ों पर ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। तापमान में गिरावट देखने को मिला है। बारिश से लोगों की मुसीबतें यहाँ पर और ज्यादा बढ़ गई है। आवाजाही में परेशानी हो रही है। और देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार झमाझम बारिश हो रही है। दो दिन से लगातार बारिश है, येलो अलर्ट यहाँ पर जारी है। लेकिन यही इसी बीच किसानों के फसलों को बहुत नुकसान हुआ। और वहीं उत्तराखंड में बदले मौसम को लेकर सीएम धामी गंभीर नजर आए। देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे थे सीएम धामी। अधिकारियों से सीएम धामी ने मुलाकात की। आपदा प्रबंधन विभाग को एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए हैं। आपदा की सूचना पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। सभी जिलों को अलर्ट किया गया। सभी जिलों में लगातार जो आपदा से बचाव के लिए, अतिवृष्टि से बचाव के लिए, चाहे वो हमारी एसटीआरएफ हो, आपदा प्रबंधन हो, जिले की टीम है और हमारे यहाँ के सचिवालय के स्तर पर, सभी को तैयारी के लिए कहा है और सभी तैयार भी हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और उधम सिंह नगर चार जनपदों में ज़्यादा बारिश हुई है। पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग जो हमारे मलबा आने के कारण से जहाँ पर भी ऐसी संभावना है कि सड़क बाधित हो सकती है, तो उस सबको चालू करवाने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और आगे सभी स्थितियों पर नज़र रख रहे हैं। तो जो खेती का, कृषकों का भी इसमें अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है, उसका भी आकलन कृषि विभाग करेगा और उसमें भी जो समुचित रूप से जरूरी होगा सहायता के रूप में, वो सरकार उसको भी करेगी। और वहीं कर्णप्रयाग में तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिली। बारिश के चलते विकास कार्य यहां पर प्रभावित हो रहे हैं। मौसम विभाग ने 4 अप्रैल तक ये अलर्ट जारी किया है, जहां पर लगातार 4 अप्रैल तक रुक रुक कर बारिश के आसार जताए गए हैं। तीन दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। आवाजाही में खासा परेशानी हो रही है। यहाँ पर लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ गई हैं। लेकिन बारिश के चलते विकास कार्य भी यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। और देहरादून केदारनाथ हेली सेवा की वेबसाइट का ट्रायल शुरू हो गया है। IRCTC ने बुकिंग के लिए वेबसाइट की शुरुआत की है। नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने रेलवे को टिकट का जिम्मा दिया है। 6 अप्रैल से ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रारंभ करने की तैयारी है। पहले फेज में 24 से 30 अप्रैल तक की बुकिंग ली जाएगी। तो IRCTC ने बुकिंग के लिए वेबसाइट की शुरुआत कर दी है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।